दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 25 मार्च से स्टार्ट होने थे, बट वेबसाइट पे आप देखेंगे तो उसमें उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और अब वो स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल से, वो भी संभावित है, लाइकली लिखा हुआ है लाइकली टू बी, तो मोस्ट प्रॉबली 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, हो सकता है 1-2 दिन पहले, अदरवाइज 1-2 दिन डिले भी हो सकता है, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो सकते हैं जो अभी वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन है। साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या क्या है, और टेस्ट 1, 2, 3, 4, अब टेस्ट 5 नहीं है ध्यान रखना, हालांकि ऐसा नहीं कि टेस्ट 5 खत्म कर दिया गया है, थोड़ा सा मर्ज किया गया है, टेस्ट 1 तो वैसा ही है जैसे पहले था, टेस्ट 2 और 3 को आपस में मर्ज किया गया है, ओके, टेस्ट 1, 2 और 3 को आपस में मर्ज करके टेस्ट 2 बना दिया गया, जो टेस्ट 4 था उसे टेस्ट 3 कर दिया गया, और जो टेस्ट 5 था उसे टेस्ट 4 कर दिया गया है। अब बात आती है बहुत सारे बच्चों के डाउट से कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे हमें एडमिशन ले सकते हैं, और कौन से टेस्ट में कौन कौन से कोर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें, बाकी किस पेपर में टेस्ट 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट 2 में कितने क्वेश्चन होते हैं, वो वीडियो मैं ऑलरेडी बता रखा है, बाकी अभी एक बार प्रोस्पेक्टस आने दो, अगर कुछ चेंज होता है तो वो भी मैं आपको जल्दी ही अपडेट कर दूंगा। बाकी वीडियोज़ लगातार आ ही रही हैं, कुछ थोड़ी सी रुकी हुई थी 1 वीक से, तो वो अब आपको वीडियो मिल जाएंगी, बाकी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ बहुत सारी हैं तो आप उसे सीख सकते हो, मैथ्स की वीडियोज़ कई सारी हैं। टेस्ट 1 की बात करते हैं सबसे पहले, तो टेस्ट 1 में फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर डिप्लोमा कोर्सेज, इसमें डिप्लोमा कोर्सेज के लिए होता है और ये बहुत सारे कोर्सेज हैं, ये 10th बेस पे होता है, किस बेस पे होता है, 10th बेस पे होता है, जिसमें कंडीशन है कि मिनिमम 35% मार्क्स होने ही चाहिए साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में, ये कंडीशन है, अदरवाइज अगर आप इसके बेसिस, मतलब कि अगर मान लो अभी आप टेंथ में हैं, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, आप एग्जाम दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो आराम से, लेकिन क्या है कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद जब एडमिशन का टाइम आएगा तो एडमिशन के टाइम में देखा जाएगा साइंस, मैथ्स और इंग्लिश में तीनों में 35 मिनिमम होने चाहिए, या CGPA की बात करें, अगर CGPA की बात करते हैं तो 3.7 CGPA होनी चाहिए, अगर ग्रेड सिस्टम मिलता है आपको, ग्रेड सिस्टम से मार्क्स मिले हैं, तो इससे कम हुए तो फिर एडमिशन नहीं होगा, कैंसिल कर दिया जाता है, 3 सब्जेक्ट में इतने, और बाकी जब सब्जेक्ट्स बचे अदर सब्जेक्ट्स उसमें पास होना कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि बाकी में पास ना हो, तो साफ साफ मेंशन है, बाकी कोर्स बहुत सारे हैं, इसमें सारे कोर्स आप देख सकते हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, उसके अलावा गर्ल्स के लिए भी कई सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज है, फैशन डिजाइनिंग है, गारमेंट्स फैब्रिकेशन है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, तो सारे कोर्स देख सकते हो, आर्ट फॉर ड्राइंग टीचर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप है, तो इनके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, बाकी अभी नई वीडियो आपके लिए और अच्छे से डिटेल में बना दूंगा, आप चिंता मत करो। तो ये सारे कोर्सेज हैं इसमें, और बाकी पासिंग क्राइटेरिया बताई थी मैंने आपको कि इतना आपके पास इतना स्कोर होना चाहिए तभी आपको एडमिशन मिलेगा, आप बेशक एंट्रेंस क्लियर करके रैंक 1 ले आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैंक 1 भी बेशक आपकी आ जाती है, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा, जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका जो लास्ट ईयर पास आउट है उनके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास तो पहले से मार्क्स, लेकिन जो इस साल एग्जाम देंगे और अगर उनका स्कोर कम रहता है तो उस केस में अगर 35 से डाउन रहा तो फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा, चाहे आपकी रैंक 1 ही क्यों ना हो, ये कंडीशन है, ओके। तो मैथ्स, इंग्लिश और साइंस तीन में तो 35% होना कंपलसरी है, बाकी अदर सब्जेक्ट में 33 भी हो तो चलेंगे, पासिंग मार्क्स होने चाहिए, क्लियर है। कोर्स बहुत सारे हैं, कोर्स की आप टेंशन, मतलब कोर्स बहुत सारे आप देख सकते हो, ये आपको उसका PDF आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद भी चाहो तो पढ़ सकते हो। टूल इसमें टूल एंड डाई मेकिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, पॉलीमर है, दुनिया भर की मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो सब ये कोर्स देख सकते हो और इसमें से जो आपको बेस्ट लगता है उसे कर सकते हो। कोर्स कैसे चूज करना है, क्या करना है, वो अभी डिपेंड नहीं करता, वो एग्जाम के बाद आपकी जो रैंक आएगी उस रैंक पर डिपेंड करता है, रैंक जितनी अच्छी होगी उतना बढ़िया कोर्स मिलेगा। तो ट्राई करो कि मेहनत करो, मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करना, फिर साइंस पर और उसके बाद इंग्लिश के। मैथ्स के टेस्ट 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 85 और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, लेकिन जो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो मैथ होता है, क्योंकि जब भी टाई अप होता है, टाई आपस में जैसे 1000 बच्चों में टाई हो गया, 1000 बच्चों के मार्क्स सेम है, उस केस में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जिसके मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, इसलिए मैथ्स पर फोकस ज़्यादा करना। 50 में से 40 भी आपने सही सही कर लिया ना, एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 नेगेटिव, तो अगर आपके नेगेटिव ज़्यादा हो गए तो फिर तो आपके रैंक वैसे बेकार हो जाएगी। तो पेपर में उतना ही करना जितना आपको आता हो, तो नेगेटिव मार्किंग से बचना होता है हमेशा। आप 80 से 90 क्वेश्चन भी अगर आप सही करते हो तो भी एक आपका अच्छा रैंक होगा, और किसी बच्चे ने 120 क्वेश्चन किया उसमें उसके 20-25 गलत हो गए, 120 क्वेश्चन किए और 20-25 गलत हो गए, फिर उसके लिए बेकार है कि वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो जो 80-90 वाले से भी स्कोर में डाउन पहुंच जाएगा। तो इसलिए 100 तक का टारगेट रखो कि एटलीस्ट 100 आपको सही सही करने हैं, और अगर 120 हो जाए तो समझ लो फिर आप टॉप 500 में हो जाओगे, 120 हो गए तो टॉप 500 के में रैंक है आपका, 120 हो गए तो। वो डिपेंड करता है थोड़ा सा पेपर पे भी, पेपर का लेवल कैसा था, पेपर जनरली बहुत टफ नहीं आता, पेपर इजी आता है, लास्ट ईयर का पेपर भी आपने देखा होगा, और
उससे पिछले साल का भी देखोगे तो हाँ थोड़ा सा मैथ में कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है, क्योंकि मैथ का जो बच्चे जो क्या करते हैं सिर्फ किंग्स इंडिया पब्लिकेशन या सिर्फ अरिहंत ऐसी बुक्स जो है उनसे पढ़ते हैं, बट उससे काम नहीं चलता। अब जो है कि आपके आरडी शर्मा सीबीएसई की बुक्स जो है एनसीईआरटी वहाँ से क्वेश्चन पिक किए जा रहे हैं मैथ्स के तो बहुत सारे, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया जो आप सर्च करके देख सकते हो यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको, लिखोगे बेस्ट बुक फॉर पॉलिटेक्निक तो वहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने बता रखा है कि आरडी शर्मा से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी टफ क्वेश्चन जो थोड़े से लगते हैं बच्चों को वो सारे क्वेश्चन आरडी शर्मा के एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं ना लास्ट में दिए होते हैं आरडी शर्मा में वहाँ से आते हैं, तो आप उसे जरूर करना। टेस्ट टू की बात कर लेते हैं, टेस्ट टू जो है टेस्ट टू और थ्री जो पहले अलग अलग था उसको कंबाइंड करके टेस्ट टू बना दिया गया। टेस्ट टू में ही मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस हिंदी मीडियम के लिए भी, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए कंबाइंड कर दिया गया, इसी को शॉर्ट में एमओपी बोला गया है, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस MOP, एक हिंदी मीडियम के लिए एक इंग्लिश मीडियम के लिए। दोनों के लिए कंडीशन वही है कि 35% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, किसमें बेस्ट थ्री सब्जेक्ट्स में, लेकिन एक कंडीशन है इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में कंपलसरी कि इतने होने चाहिए और हिंदी वालों के लिए हिंदी या संस्कृत में होने चाहिए। ओके और ट्वेल्थ बेस्ड पे ही आप कर सकते हो, इसे टेंथ बेस्ड पे नहीं होगा, ट्वेल्थ बेस्ड के लिए ही ध्यान रखना, या आउटसाइड वाले भी भर सकते हैं, टेस्ट वन भी आउटसाइड, टेस्ट फोर को छोड़कर जिसे जो पहले टेस्ट फाइव होता था क्योंकि वो लेटरल एंट्री का है वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, बाकी सभी टेस्ट में आउटसाइड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। आउटसाइड कैंडिडेट के लिए 15% सीट रिजर्व होती है, सिर्फ 15% में ही उनका एडमिशन होगा, इसलिए उनका कॉम्पिटिशन और ज़्यादा टफ हो जाता है, वो बच्चे और ज़्यादा मेहनत करें। अगर उनका अंडर 1000 रैंक है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, 2000 है तो भी हो जाएगा, लेकिन ट्रेड उनके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ट्रेड वो सोचेंगे सिविल मिल जाए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो ये ट्रेड नहीं मिलने वाली, इसके लिए आपको 1000 से भी कम स्कोर करना पड़ेगा तब आपको आसानी से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में मिलेगी, नहीं तो फिर प्राइवेट में जाना पड़ेगा। प्राइवेट में तो मिल जाएगा, प्राइवेट में कोई प्रॉब्लम, प्राइवेट में लास्ट ईयर भी काफ़ी सीट बच गई थी, लास्ट में स्पॉट राउंड होने के बाद भी सीट्स बच गई थी, तो प्राइवेट की टेंशन मतलब प्राइवेट में मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट में अगर आप चाहते हो तो फिर गवर्नमेंट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा। तो टेस्ट टू के लिए आपको मैंने बता दिया है कि अगर टेस्ट टू में जो MOP इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे तो इंग्लिश में उनका एटलीस्ट इंग्लिश में तो 35% और बाकी जो है ना बेस्ट थ्री सब्जेक्ट जो भी वो चूज करेंगे इंग्लिश को इंक्लूड करके तब उनके 35% होने चाहिए मिनिमम और बाकी में पास होने चाहिए। और जो हिंदी मीडियम में MOP करेंगे तो उनके लिए क्या है कि या तो इंग्लिश में वो हिंदी में या संस्कृत में, देख सकते हो आप हिंदी में या संस्कृत में 35% होने चाहिए और बाकी सब्जेक्ट्स में पास होने चाहिए। उसके बाद टेस्ट थ्री, इसमें भी बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं जो ट्वेल्थ बेस पे होता है और ये साइंस स्ट्रीम वालों के लिए सिर्फ, क्योंकि इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है फार्मेसी के लिए, और ये भी आउटसाइड वाले बच्चे भर सकते हैं आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स या बायो कंपलसरी होना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कंपलसरी है, मैथ्स और बायो में से कोई एक होना चाहिए। ओके इसके पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं क्या आते हैं वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप उस वीडियो में देख लेना, फालतू वीडियो में आपका टाइम खराब नहीं किया जाएगा। टेस्ट फोर जो पहले टेस्ट फाइव हुआ करता था लास्ट ईयर तक, अब इसे टेस्ट फोर का नाम दे दिया गया, ये लेटरल एंट्री यानी जो ITI बच्चे करके आते हैं या ट्वेल्थ पास करके आते हैं उसके बाद डायरेक्ट इसमें एडमिशन हो जाता है सेकंड ईयर में। ओके लेकिन ये दिल्ली रीजन के लिए है, सिर्फ दिल्ली रीजन कैंडिडेट के लिए। इसमें क्या देखो क्राइटेरिया क्या है, पास 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स अलोंग विद वन ऑफ मैथमेटिक्स और बायो, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कंपलसरी है उसके अलावा मैथ्स या बायो में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके बायो में क्या है तो बॉटनी और जियोलॉजी, उसके अलावा अगर ये क्राइटेरिया नहीं है उनके पास तो फिर दूसरा कंडीशन भी है कि 12th साइंस होनी चाहिए विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, जिसमें मैथ होना चाहिए, और या 12th साइंस जो होनी चाहिए वो विद वोकेशनल और 12th साइंस विद टेक्निकल, मतलब सारी कंडीशन इसमें से कुछ भी अगर आपकी एलिजिबिलिटी है किसी भी कोई भी योग्यता का फुलफिल कर रहे हो तो आप भर सकते हो। उसके अलावा और भी कंडीशन है कि 10th आपने कर रखी है उसके बाद 2 साल का ITI कर रखा है, ITI अप्रोप्रिएट ट्रेड जो बता रखी कि किन किन ट्रेडों के लिए आपका एडमिशन होगा, इन दैट ऑर्डर सेल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा, इसमें डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा, इसी को हम लेटरल एंट्री बोलते हैं। ओके लेकिन कंडीशन क्या है कि जैसे अगर मान लो आप ऑलरेडी अपीयर्ड हो, आप भी ITI के सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहे हो, फाइनल एग्जाम्स हैं आपकी और फाइनल एग्जाम है तो आपका एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि 30 नवंबर 2019 तक आपको मार्कशीट प्रोविजनल एडमिशन वो जो है ना वो देना पड़ेगा, यानी कि जो मार्कशीट आपको मिलेगी ITI से वो इतने तक आपको लाके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ेंगे, अगर सबमिट नहीं कराओगे आप तो उस केस में फिर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मतलब एडमिशन आप ले सकते हो सेकंड ईयर में, अगर आप सेकंड ईयर में अभी अपीयर्ड हो, जैसे सेकंड ईयर में ITI कर रहे हो आप, फाइनल एग्जाम दे रहे हो या दे दिया है आपने और उसके बाद उसके बेसिस पे रिजल्ट नहीं आया है बट आप
यहाँ पे टेस्ट फोर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और टेस्ट फोर में एडमिशन होने के बाद आपको टाइम लिमिट दे दी जाएगी कि 30 नवंबर 2019 तक आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सबमिट कराने हैं, यानी कि वहाँ पे टेस्ट टू पास कर, वो सेकंड ईयर आईटी पास करने का। और आईटी के अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी अगर आप वहाँ सबमिट नहीं कराते तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके और ट्रेड कौन कौन सी ट्रेड, देखो लिखा हुआ 10th+2 years ITI विद अप्रोप्रिएट ट्रेड अगेंस्ट 20% सुपर न्यूमरेटरी सीट्स इन एनालॉगस डिसिप्लिन ऑफ फर्स्ट। तो इस हमारे ट्रेड्स भी बता रखी है जिसमें सीट्स रिजर्व होती है, वो कौन कौन से ट्रेड के लिए, तो इन ट्रेडों में इन ट्रेड के बेसिस पे हो सकता है। ओके बाकी पूरा अगर डिटेल में पढ़ना चाहो तो सारे अलग अलग कंडीशंस दे रखे हैं सभी ट्रेड के लिए, आप इसे आराम से इसे PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इस टोटल ट्रेड के नाम दिए हुए हैं, ये आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक की वेबसाइट पर मिल जाएगा। बाकी ये तो इतना कुछ खास कर नहीं है जो मैंने पहले समझा दिया आपको, और आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ताकि उसको भी मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ पहले से ही। और अब तैयार रहो, अब ज़्यादा फालतू इसी टाइम से मतलब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, जहाँ भी हो आप आउटसाइड हो जहाँ पे भी हो वहाँ कोचिंग वोचिंग लगवा लो और आराम से पढ़ो। मेरे से बच्चे बहुत सारे बच्चे कोचिंग के लिए पूछते हैं, तो मैं बता दूँ कि इस बार शायद मैं ऑफलाइन कोचिंग ना स्टार्ट कर पाऊँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से शायद मुझे टाइम ना मिले, तो इस बार शायद बैच स्टार्ट करना मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं लग पा रहा। तो अगर पॉसिबल हुआ भी तो सर कुछ बच्चों का ही होगा, कुछ बच्चों का, ज़्यादा नहीं। मैं मतलब पूरा बैच बड़ा सा बैच चलाने के मूड में इस बार नहीं हूँ, तो जो भी आपकी मैं हेल्प करूँगा वो ऑनलाइन ही आपको वीडियो अपलोड कर करके करूँगा। अदरवाइज़ कुछ बच्चे जो आसपास ही रहते हैं मेरे उनके लिए, क्योंकि आउटसाइड वाले बच्चे बहुत सारे बच्चे आना चाहते हैं, बट अभी तो शायद ना हो पाए मुझे लगता है। बट अगर ऐसा कुछ होता है, कोई प्लान बनता है अभी, क्योंकि टाइम है अभी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 40 दिन तो पॉलिटेक्निक ढंग से अगर आप करना चाहो 40 दिन की तैयारी में बड़े प्यार से पॉलिटेक्निक के एग्जाम क्लियर कर सकते हो। लास्ट ईयर भी क्लियर किया बच्चों ने, आपने रैंक भी देखा होगा, मैंने रिजल्ट दिए हैं, आप भी कर सकते हो आराम से। और मेरी तरफ से पूरी आपको हेल्प मिलेगी, बट आपकी तरफ से क्या चाहिए कि आप वीडियोज़ को जब देखोगे तो उसे लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को, और दूसरों तक शेयर किया करो। क्योंकि जब तक आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मुझे कहाँ से मजा आएगा, तभी तो मुझे मैं मोटिवेट कब होऊंगा जब आपकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारे ट्रेड्स हैं, सब सारी चीज़ें बता रखी, आप एक ही करके आराम से वहाँ डिटेल में देख सकते हो ये पूरा PDF, और इसे पढ़ सकते हो। कोई डाउट हो तो FB पे ग्रुप बना हुआ है, वहाँ ग्रुप में आप अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस जो भी हैं, या मैथ्स के क्वेश्चन या साइंस के जो भी डाउट्स हो वहाँ कर सकते हो, बच्चे आपको जवाब देंगे, या फिर कई बार मैं आपको रिप्लाई देता हूँ अगर बच्चे नहीं दे पाते आंसर, तो आपको समझ में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। और बाकी जितने भी आपके दोस्त लोग हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, उन्हें चैनल से जोड़ो, ताकि फिर क्लासेस लाइव क्लासेस चलाने में भी मजा आए जब बच्चे ज़्यादा हो एक साथ। तो मैं ट्राई करूँगा लाइव क्लासेस के लिए, जैसे पहले भी हुई है कई क्लासेस, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हो जिसमें सर्कल मैंने पढ़ा दिया, स्टैटिक्स पढ़ाया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा दिया, लीनियर इक्वेशंस करा दिया, कुछ उसके एक आध पार्ट्स रह रहे वो करा दूँगा। ट्रिग वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, प्रोबेबिलिटी कराया हुआ है, और भी कई ऐसे चैप्टर जो मुझे तो खुद भी याद नहीं कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, तो आप प्लेलिस्ट में देखना वीडियोज इसकी सारी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप रेडी रहो, 1 अप्रैल से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अपने जितने भी मार्कशीट है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे किसी का SC सर्टिफिकेट है, OBC सर्टिफिकेट है, वो सब पहले से रेडी करके रखना, नहीं बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर्म फिल करते वक्त बहुत सावधानी से भरना, फॉर्म गलत ना हो जाए, क्योंकि उसमें एक बार तो आपको एडिट करने का मौका मिलेगा, बट कुछ चीज़ें आप एडिट नहीं कर सकते, जैसे नाम वाम जो होता है ना, तो वो कंडीशन आ जाएगी अभी जब 1 तारीख को एडमिशन स्टार्ट होंगे फॉर्म फिल करना, तो एक प्रोस्पेक्टस आएगा, उस प्रोस्पेक्टस को पहले पढ़ लेना आराम से, कोई जल्दबाजी मत करना, 1-2 दिन पहले पढ़ना उसे अच्छे से सारी चीज़ें, उसके बाद फॉर्म को फिल करना, बहुत जल्दबाजी मत करना बिल्कुल भी। मैं जैसे ही वो प्रोस्पेक्टस आ जाएगा उसके बेसिस पे देखूँगा क्या चेंज है क्या नहीं, तो उसके बेसिस पे एक वीडियो और बना दूँगा जिसमें आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें बता दूँगा, तो आप टेंशन मत लेना।